गांव में पोड़ा मतलब बैल पोड़ा लगता है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे की क्लिप्स आपको बताऊँगा कि बैल पोड़ा कैसे होता है, सब कुछ समझाऊँगा कैसे है, तो चलते हैं। तो अभी हम पास में पहुँच गए हैं थोड़ा, इधर ही उस प्लेस को गोठान कहते हैं, तो वहाँ पे ही होगा हमारा बैल पोड़ा। गोठान के पास आ गए अभी, आपको मैं शॉर्ट बता देता हूँ। तो यहाँ से ही आगे 200 मीटर आगे जाकर हमें हमारी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, जैसे कि बैल पोड़ा का जो प्लेस होता है जहाँ पे, उसे गोठान कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो पहुँच गए हैं हम मंदिर के पास। हमारा रहता है बैल पोड़ा, तो ये महाराष्ट्र है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बैल पोड़ा बनता है, मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। ये है हमारा मंदिर, अच्छा मंदिर है ये, हनुमान मंदिर। बाजे जाएंगे हम, ये देखिए हमारा छोटा सा नंदी है हमारा। कार फोटो रहा है, हाँ निकाला। इस तरीके का हमारा पोड़ा भरता है यहाँ पे बैल पोड़ा, आप देख सकते हैं। ये जो धागा लगा है आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये धागे के नीचे ही, मतलब इसे तोरण कहते हैं, तोरण के नीचे ही सब हमारे जो बैल रहते हैं, मतलब बैल जोड़ियों में रहते हैं, जैसे कि हल में लगे हुए रहते हैं, तो उसी तरह ये कुछ इसके पीछे लगे हुए, नीचे लगे हुए रहते हैं। अच्छी खासी एक जोड़ी आ गई है भगवान की, नंदी महाराज। ये देखिए कितने सुंदर सजाए हुए बैल हैं हमारे गाँव के। तो इस तोरण के ऊपर से मुझे अपनी राखी फेंकनी पड़ेगी अभी, ऐसा अभी हम आखिरी तक जाएंगे कि कैसा बैल पोड़ा रहता है हमारा, फुल देखेंगे। सारी जोड़ियाँ हैं हमारे गांव की, ये बैल जोड़ी। यहाँ पे हमारे सारे गांव के आगे भी है हमारे कुछ जोड़ी, तो अभी हम देखेंगे। यहाँ तक हमारे बरोबर है, हम तो गांधी का पोया अलग है, मनु हम तो ये हमारी लास्ट बैल की जोड़ी है। ये जो आप तोरण देख रहे हैं, इसके ऊपर से हमें राखी फेंकनी पड़ती है, उसके बाद ही राखी हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, अगर अच्छे से छोड़ी नहीं तो इट इज़ नॉट वैल्यूएबल। सो चलो, सबसे ज़्यादा सजा कर लाए इस जोड़ी को, तो देख सकते हैं सब लोग इसी जोड़ी के साथ अपना फोटो निकाल रहे हैं।
तो अभी पूरे ध्यान से देखना, ये क्लिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है इसमें। भैया हाथों में इतना जोर है, उनके बाहू में इतना जोर है कि वो पूरे बेल को पकड़ सकते हैं पूरा, मतलब देख सकते हैं आप, देखिए उनकी फाइट कुछ अलग ही होती है। तो ये भैया थोड़ा ड्रिंक करके तो कुछ ज़्यादा गाली वाली दे रहे हैं, और इन बैलों को भी कुछ मतलब उन्होंने पिलाया हुआ है, तो इसलिए वो काफ़ी, तो बैल हो गए पूरे आक्रामक हो गए बैल। तो अभी देखना भाई कि अभी ये बैल इधर जाता है तो उसे खींचते, और ठीक हुआ देख सकते हो भाई ये बैल पूरा गिर जाता, मुझे लगा इसका कोई पैर वैर हो गया, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से शायद इनको कुछ नशीली चीज़ें खिलाई जाती है, तो बैल थोड़ा में ऐसा होता है बैलों के साथ, और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ये बैल। तो इट इज़ जस्ट कल्चर ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज़ अ रिचुअल फेस्टिवल, हम कुछ कर भी नहीं सकते, शायद वो इरिटेशन हो रहा है उनको थोड़ा, बैलों को, इसलिए वो शायद इतना कुछ अलग अलग दे, काफ़ी कुछ एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। हर एक घर के पास जाएंगे और वहाँ पे उनको जितना भी दान मिलता है और बैलों को खाना मिलता है पूरन पोड़ी, तो यही रहेगा अभी, पूरन पोड़ी सब बैलों को दान मिलता है, थोड़ा पैसे देते हैं लोग। तो अभी घोड़ा खुल गया है तो अभी जाएगा, सब हो जाएगा, तो आप देख लेंगे हर एक चीज़ थोड़ी जा रही है। ये जो चश्मे वाले दादाजी है जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और उस टाइम मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शर्म आएगी, गांव के लोगों में ऐसा ज़्यादा होता है शर्म की चीज़ें। तो जाएंगे अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ पे सबके पीछे से जा रहे हैं, सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग पीछे भी थोड़ा पीछे पीछे जा रहे हैं, हम सबके आराम आराम से जाएंगे, देखेंगे अभी क्या होता है। से जा रहा है अभी वापस घर, तो चलो शायद हमारा व्लॉग हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, चलो बाय। तो गाइज आपने देख लिया है सारा बैल पोड़ा हमारे गांव का कैसा रहता है, कैसा कल्चर है, जो भी मतलब अर्बन एरिया से है वो तो उनको तो कुछ पता नहीं है अभी। तो मैं कह रहा था कि अर्बन एरिया से जो भी है तो उनको कुछ ज़्यादा गांव के बारे में पता नहीं रहता कि बैलपोड़ा क्या होता है, कैसे उसको मनाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है बैलपोड़ा कुछ इस तरीके से होता है, बैलों को सजा के लाते हैं वहाँ पे, और जो भी हमारा रिचुअल है उसको फॉलो करते हैं।
और तोरण के ऊपर से जो हमारी राखी रहती है वो उसको फेंकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमारा बेलपोड़ा होता है। और मैंने आपको लास्ट में बता दिया है, अगर इसी तरीके के मेरे सारे मतलब व्लॉग्स देखने हैं आपको, तो फिर आप चैनल पर जा सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे अगली वीडियो चाहते हो तो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और लाइक कर देना, क्योंकि मैंने कोई बात नहीं, लाइक करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत तो की नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले उनको आप वीडियो को लाइक कर देना, मेरा ठीक है, चलो मेरा ऐसा कॉमन है। चलो बाय।